हाय स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि गोलाकार संधारित्र की धारिता, लेकिन गोलाकार संधारित्र की धारिता कब? जब बाहरी गोला भूमिगत हो तब। लेकिन आज डिस्कस करने जा रहे हैं गोलाकार संधारित्र की धारिता, गोलाकार संधारित्र की धारिता जब आंतरिक गोला भूमिगत हो। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर व्हेन इनर स्फीयर इज ग्राउंडेड। ओके, गोलाकार संधारित्र की धारिता जब आंतरिक गोला भूमिगत हो। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर व्हेन इनर स्फीयर इज ग्राउंडेड, है ना? इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान देना कि उस संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है जिसका आंतरिक गोला भूमिगत हो। बात सेट हो गया माइंड में? तो बताइए, हमने क्या बोला था आपको, याद होगा? समानांतर पट्टिका संधारित्र से तुलना करो। पिछले क्लास में तो हम बताए हैं कि आंतरिक गोला पर पहले से आवेश दिया गया था, यानी इसको आवेशित किया गया था, यानी बैटरी से जोड़ा गया होगा। तो आवेश इसको दिया गया है तो इस पर प्रेरण हो रहा था अंदर में माइनस, तो बाहर में प्लस, और जब इसको धरती से जोड़े थे तो प्लस वाला धरती के अंदर। आपको याद होगा इस प्लेट का विभव घटाते थे एक चालक प्लेट ला करके, और यहां पर माइनस यहां पे प्लस प्रेरण होता था, धरती के अंदर भूमिगत करते थे तो आवेश चला जाता था। यानी कहने का मतलब कि हम इसका विभव घटा रहे थे तो धारिता बढ़ रहा था, संधारित्र का सिद्धांत। हाँ, तो यहां पर भी आंतरिक गोला का धारिता बढ़ाने के लिए हमने बाहर वाला को भूमिगत किया, लेकिन अब बाहर वाला का धारिता बढ़ाने के लिए अंदर वाला को भूमिगत करेंगे। सबसे पहले तो ये बात समझना जरूरी है ना, कि धारिता बढ़ाना, हाँ धारिता आएगा, धारिता का कुछ मान आएगा, और परिणामी धारिता इसका धारिता ही होगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जब बीच में हवा या निर्वात रहता था तब धारिता ही आएगा। लेकिन तरीका क्या है, सिद्धांत क्या है कि इसकी धारिता को बढ़ाने के लिए इसको भूमिगत किए, इसके धारिता को बढ़ाने के लिए बाहर वाला को भूमिगत किए, तो बाहर वाला के धारिता बढ़ाने वाला बढ़ाने के लिए बाहर वाला गोला का धारिता बढ़ाने के लिए अंदर वाला को भूमिगत करेंगे। ये बात अब सामने आ गया है ना, तो पहले समझाते हैं तब लिखवाते हैं थ्योरी बच्चों। यहां तक हमने बता दिया है, इसका एक्सप्रेशन भी लाए थे कि संधारित्र की धारिता का गोलाकार का क्या, जब बाहरी गोला भूमिगत हो, याद रखना है, जब बाहरी गोला भूमिगत हो, तो पिछले लेक्चर में बताया 4πε0ab/b-, बोलो। तो अब देखते हैं बच्चों कि अब क्या हो रहा है। तो अब हमने बाहरी गोला को भूमिगत नहीं किया, बाहरी गोला पर आवेश दिया क्यू, तो क्यू जब आवेश देंगे तो इसके सतह पर वितरित होगा, यानी क्यू जब दिए तो पूरे सतह पर आवेश वितरित है, यानी क्यू कुल आवेश क्यू दिए तो कुछ आवेश इसके अंदर सतह पर रहेगा, आंतरिक सतह, सतह पर ही जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह सतह पर वितरित होता है ना। तो सतह के उसी सतह पर अंदर साइड और सतह पर बाहर साइड, तो अंदर साइड मान लो कि Q1 है और बाहर साइड मान लो Q2 है, मतलब कुल आवेश। बहुत बार बताए हैं कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो ऑल चार्जेस रिसाइड एट इट्स सरफेस, मतलब कुल आवेश जो होता है उसके सतह पर वितरित हो जाता है। ओके, तो जब इसको बैटरी से जोड़े होंगे बाबू, तो बैटरी से जोड़े होंगे तो सतह पर कुल आवेश रहा होगा, कुछ अंदर रहा होगा, कुछ बाहर रहा होगा, यानी कुल आवेश सतह पर क्यू, तो दोनों का योगफल क्यू, यानी Q1 + Q2 = Q। यहां तक क्लियर है?
अब बताओ कि जब क्यू बराबर क्यू वन प्लस क्यू टू का हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि अंदर में भी कुछ आवेश रहा होगा, अंदर सतह पर ही, सतह पर ही अंदर और बाहर कुल आवेश, बोलो बोलो, तो कुल आवेश कितना हो गया, क्यू वन और क्यू टू का योगफल, यानी इसको हम बैटरी से जुड़े होंगे तो आवेशित किए होंगे। लेकिन इसी की धारिता को बढ़ानी है तो अब उसके संकेंद्री एक और गोला ले लिए जिसका त्रिज्या ए है और बड़ा वाला का त्रिज्या बी है, अब इसको भूमिगत करेंगे, ध्यान देना है। तो बताओ जब इस पर प्लस क्यू वन है तो इस पर प्रेरण होगा माइनस क्यू वन, ये सब बात अब आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, माइनस क्यू वन, तो अंदर वाले सतह पर प्लस क्यू वन, अंदर वाले सतह पर प्लस क्यू वन, ध्यान देना, ध्यान देना, एक बार में समझो, एक बार में। इस पर बाहर वाले गोले को हमने बैटरी से जोड़ करके आवेशित किया, बिना बैटरी से जोड़े आवेशित होगा नहीं, तो बैटरी से जोड़ करके जब हम आवेशित किए तो बताओ बच्चों कि जैसे ही आवेशित किए तो इस पर प्लस सतह पर ही, सतह पर ही आंतरिक सतह और बाह्य सतह, यानी आंतरिक सतह पर प्लस क्यू वन और बाह्य सतह पर प्लस क्यू टू आवेश आ गया, बोलो, यानी कुल आवेश हम दिए हैं क्यू जो आंतरिक सतह और बाह्य सतह, यानी आवेश चालक पर सतह पर ही होता है, आंतरिक सतह और बाह्य सतह दोनों पर आवेश क्यू वन क्यू टू है, मान ली अंदर वाले पे क्यू वन बाहर वाले पे क्यू टू। अब बताओ जैसे ही यहां प्लस क्यू वन है तो जैसे ही एक और अनावेशित गोला लाए, ध्यान देना, पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि ये आवेशित था छोटा वाला और बड़ा वाला अनावेशित था, माइंड इट, समझो यार, समझ के पढ़ो, ऊपर ऊपर पढ़ोगे जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे तो उड़ जाएगा सब ऐसे ही, है ना, क्या क्या मतलब रहा पढ़ने का, कुछ नहीं। तो यहाँ पे इसको पहले से ही आवेशित था, इसकी धारिता बढ़ानी थी, तो ये प्लस तो इस पर माइनस, अनावेशित था और बाहर में प्लस जो भूमिगत हो गया, तो एक संधारित्र बना था जिसका धारिता यह था 4πε0ab/b-a, ये चीज हम पिछले लेक्चर में बताए बताए हैं ना, हाँ। लेकिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों कि अब बाहर वाला का धारिता बढ़ाना है, तो बाहर वाला का धारिता बढ़ाने के लिए बाहर वाले को हमने आवेशित किया तो उसका विभव घटाना जरूरी है, तो एक अनावेशित चालक गोला लाएंगे, अनावेशित लाएंगे तो अंदर में यहां पे प्लस क्यू वन है तो यहां पे माइनस क्यू वन होगा प्रेरित, और अंदर में प्लस क्यू वन प्रेरित होगा, तो प्लस क्यू वन प्रेरित हुआ, यहां पे प्लस क्यू वन लिख देते हैं। पहले तो ये फिगर बना लो, डिफिनेशन लेफ्ट साइड, मतलब जो बात है थ्योरी वो लेफ्ट साइड लिखेंगे और राइट साइड आपको फिगर बना लेना है, पहले इतना बनाना है कि लास्ट रिपीटेशन कि इस चालक का धारिता बढ़ाने के लिए इसको बैटरी से जोड़ दिए तो आवेश आ गया, सतह पर अंदर में, अंदर में सतह पर, आंतरिक सतह पर प्लस क्यू वन और बाहरी सतह पर प्लस क्यू टू, और इसके कारण प्रेरित हुआ माइनस क्यू वन और अंदर में प्लस क्यू वन, यहां तक क्लियर होगा। तो अब भूमिगत जब करेंगे आंतरिक सतह को, ध्यान देना ये फिगर बना दे, अब जैसे ही इसको भूमिगत करेंगे तो प्लस क्यू वन धरती के अंदर चला गया, प्लस क्यू वन धरती के अंदर चला गया, भूमिगत, भूमिगत देख रहा ना फिगर बना हुआ भूमिगत। तो अब बताइए संधारित्र बना, लेकिन यहाँ पे दो संधारित्र बना, यही तो बात है, यही समझना है, यहाँ पे दो संधारित्र का निर्माण होगा कैसे, सो देखो कल वाला में हमने आपको बताया था कि यहां पर प्लस था इस पर तो इस पर माइनस था, तो प्लस धरती के अंदर, तो यहां पर एक ही संधारित्र बना, प्लस धरती के अंदर यहां पर एक संधारित्र बना जो निकाले थे धारिता, लेकिन अब देखो ऐसा ही एक संधारित्र यहां बना प्लस माइनस से, अरे संधारित्र की धारिता में त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, आवेश पे नहीं, सी बराबर 4πε0ab/b-a, बोलो बोलो, त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, आवेश कितना भी रहे नो टेंशन, लास्ट में क्यू से क्यू कट जाता है, क्यू बराबर सी भी, तो क्यू से क्यू कट जाता है, क्यू पे निर्भर नहीं करता है, ओके। अब देखो जब सोल्व कर रहे थे तो Q से Q कट रहा था, देखना पिछला लेक्चर, Q बराबर C भी लिखे थे तो Q बराबर C इंटू V का मान रखे थे, उसमें से Q Q कट गया था, देखो ना यार। अब बताओ यहां पे क्या देख रहे हैं कि एक संधारित्र बना प्लस माइनस से, और एक और याद है
एक और याद है, चालक गोलाकार चालक की धारिता। तो इस प्लस के कारण, इस प्लस माइनस के कारण एक संधारित्र का निर्माण हुआ, इस प्लस माइनस के कारण एक संधारित्र का निर्माण हुआ, और इस प्लस के कारण एक और संधारित्र का निर्माण हुआ जो गोलाकार संधारित्र की धारिता थी। लेकिन कैसे, आपको याद होना चाहिए, ये प्लस है तो धरती पर प्रेरण माइनस होगा और धारित्र तो भूमिगत है। इस पर प्लस, इसका धारिता लाइट है, याद है, सी बराबर 4πε0r। जब त्रिज्या r था, याद करो याद करो, जब इस गोले की त्रिज्या r थी तो इसका धारिता आया था सी बराबर 4πε0r, आया था कि नहीं आया था? अरे बोलो, जल्दी बोलो। यानी सी बराबर 4πε0r, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस पर कुल आवेश q थी तो प्लस आंतरिक सतह पर प्लस q1 बाहर सतह पर प्लस q2, यहां पर जैसे ही प्लस q1 तो यहां पे माइनस q1 इस पर, और अंदर में प्लस q1, तो प्लस q1 भूमिगत हो गया। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? है। अब बताओ, यानी यहां पर प्लस माइनस से एक संधारित्र का निर्माण हुआ और बाहर वाले प्लस के कारण, याद करो यहां पे q आवेश होता था, फिर यहां पे वही बात, q से q कट जाता था, q बराबर c भी, तो q बराबर c इंटू v में q जो टर्म आता था q से q कट जाता था। अरे यार, q बराबर c भी, v बराबर होता था गोला का 1/4πε0qr, q से q कट जाता था, c बराबर आ गया 4πε0r, यही तो आया। अरे भूल जाते हो यार। अब बताओ, यहां पर प्लस तो धरती पर प्रेरण माइनस, क्योंकि धरती चालक है, तो बताइए ये प्लस तो ये माइनस, यानी कि संधारित्र का निर्माण हुआ जिसकी धारिता एक नियतित थी, और अंदर वाला प्लस माइनस से संधारित्र का धारिता कल निकाले, पिछले लेक्चर में लाए हैं 4πε0ab/b-c, याद है? तो बताइए अंदर में जो संधारित्र बना, ध्यान देना, यहां प्लस तो यहां माइनस, सब कुछ अभी समझा दिए, ध्यान दो, यहां प्लस तो यहां माइनस, तो एक संधारित्र बना कि नहीं बना? बना। यानी उस संधारित्र का धारिता हमको याद है 4πε0ab/b-a, जो पिछले लेक्चर में बताए हैं, क्योंकि आवेश से आवेश तो कट जा रहा है, ये बात दिमाग में रखना है, आवेश से आवेश कट जा रहा है। सर आवेश q1 q2 है सर, ऐसे कैसे सर? अरे आवेश से आवेश कट जा रहा है, तो बताइए q से q कट रहा है तो c बराबर 4πε0r होगा कि नहीं होगा? अब बताइए कि यहां पर बाहर वाला प्लस q2 के कारण एक और संधारित्र बन रहा है, कैसे? प्लस और माइनस, धरती पर प्रेरण माइनस, तो बताइए कि वहां पर जो संधारित्र बनता है उसकी धारिता हमने निकाला है पीछे गोलाकार चालक की धारिता, एक लेक्चर बनाया उसमें, देखो एक लेक्चर हमने इस पे बनाया है गोलाकार चालक की धारिता पे, उसको देखिए। तो एक गोला था, उसकी धारिता आई थी सी बराबर 4πε0r। अभी भी डाउट है, मतलब गोलाकार चालक की धारिता से ये कॉन्सेप्ट, और अंदर में प्लस माइनस से ये कॉन्सेप्ट जो पिछले लेक्चर में बताए हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि गोलाकार संधारित्र का निर्माण हो रहा था तो कैसे, तो प्लस माइनस से। तो बताइए गोलाकार संधारित्र है क्योंकि क्यू पर निर्भर नहीं कर रहा है, कट जा रहा है, क्यू कितना भी रहे कट जाएगा। तो बताइए इस संधारित्र की धारिता हमको याद है क्या? 4πε0 ab/b-a, याद है? और बाहर वाला गोलाकार चालक जो बना उसका धारिता तो कितना? तो 4πε0r। तो बताइए बाहर वाला का त्रिज्या b है तो इसका धारिता हो जाएगा 4πε0b, और अंदर में जो संधारित्र बन रहा है उसका धारिता कितना हो जाएगा? 4πε0ab/b-c। लेकिन दोनों किस क्रम में है ये भी समझाने जा रहे हैं। पहले ये समझ में आया कि नहीं बच्चों कि प्लस माइनस एक संधारित्र बना जो पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं, जो आया है सी बराबर 4πε0ab/b-a, अंडरस्टूड? क्लियर और नॉट? और एक और गोलाकार संधारित्र बना जो हम बताए हैं, एक स्पेशल लेक्चर गोलाकार चालक की धारिता, जो आया था 4πε0r, r के जगह यहां b है तो b, बड़े वाला का त्रिज्या b है तो b, समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों किस क्रम में है ये भी समझना जरूरी है। तो पहले थ्योरी लिखते हैं, समझ में आ गया होगा, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से बता दिए बच्चों, ध्यान दीजिए। तो b त्रिज्या
बी त्रिज्या वाले बड़े खोखले चालक गोले पर कुल आवेश क्यू है जिसकी धारिता बढ़ाने के लिए एक अनावेशित खोखला चालक गोला एक अनावेशित खोखला चालक गोला जिसकी त्रिज्या ए, जबकि ए छोटा है बी से, जिसकी त्रिज्या ए है, संकेंद्रीय रखते हैं। ओहो, संकेंद्रीय रखते हैं तो प्रेरण होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो बताइए बच्चों, इतना पहले ध्यान से देखिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि बी त्रिज्या वाले बड़े खोखले चालक गोले पर कुल आवेश क्यू है, यानी उसको आवेशित किया, बैटरी जुड़े हुए आवेशित हुआ होगा, आवेश क्यू है, जिसकी धारिता बढ़ाने के लिए एक अनावेशित खोखला चालक गोला जिसकी त्रिज्या ए छोटा है बी से, देखो है, संकेंद्रीय रखते हैं, रख दिए, सिंपल। तो इस पर पहले से आवेश कुल क्यू है, जिसके सतह पर आंतरिक सतह पर Q1 और बाह्य सतह पर Q2 है, उसके संकेंद्रीय एक छोटा सा गोला रख दिए, अनावेशित खोखला चालक गोला अनावेशित होगा तब न बच्चों, जब ये अनावेशित होगा तब ने इस पर प्लस Q1 तो इस पर माइनस Q1 तो अंदर में प्लस Q1 भूमिगत करेंगे तो प्लस Q1 धरती के अंदर समा जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया बोला? तो अब देखो, लिख लेना बच्चों इसको, और अगर नहीं लिखा होगा तो बैक करके लिख लीजिएगा, थोड़ा सा बैक कीजिएगा, लिखा जाएगा। और अब देखिए, पढ़िए डिटेल में पढ़िए, ऊपर नहीं। अब देखो, हमने आपको बोला कि दो संधारित्र का निर्माण हो रहा है, पहले तो लिख लेते हैं थोड़ा सा कि प्रेरण हुआ तो आंतरिक पारा चेंज करके लिख लेंगे, आंतरिक गोले के बाह्य सतह पर, आंतरिक गोले के बाह्य सतह पर -Q1 जबकि आंतरिक सतह पर +Q1 आवेश प्रेरित होता है और +Q1 को भूमिगत कर दी जाती है। ओहो, भूमिगत कर दी जाती है, सिंपल एकदम। ये चीज हम समझा चुके हैं, लेकिन फिर से देखो क्या हम लिखे हैं कि अगर इस पर +Q1 है तो इस पर -Q1 प्रेरित होगा कि नहीं होगा, और इस पर +Q1 है तो इस पर -Q1 प्रेरित होगा, तो अंदर में +Q1 प्रेरित होगा और धरती के अंदर चला जाएगा भूमिगत करेंगे तो। क्लियर हो गया होगा? अरे बोलो, इस पर +Q1 तो इस पर -Q1 तो अंदर में +Q1 को भूमिगत कर दिए, क्योंकि आपको याद होगा कि जिसकी धारिता बढ़ानी रहती है उस पर आवेश लेते हैं, और जिसके सहायता से धारिता बढ़ाई जाती है उसको भूमिगत कर देते हैं। यानी पहला गोला पर आवेश है तो दूसरा को भूमिगत करेंगे जिस पर प्रेरण हो रहा है। ओके, अब देखो बच्चों, मजा आएगा, ध्यान देना। दोनों गोलों के द्वारा एक संधारित्र का निर्माण हो रहा है, तो इसका आंतरिक सतह धरती से जुड़ा है। हाँ, पहले लिखते हैं धारिता, तब बताएंगे कि समांतर क्रम की श्रेणी क्रम। अब बताओ, एक तो संधारित्र बना प्लस माइनस के कारण, और एक और संधारित्र बन रहा है कब? जब आप लोग देख रहे हैं कि बाहरी गोला, यानी आपको याद होगा गोलाकार चालक की धारिता, तो बताइए संधारित्र कब जब प्लस माइनस होगा तब? तो बताओ, प्लस माइनस ऐसे सोचते हैं हम लोग कि प्लस है यानी धरती पर प्रेरण, माइनस, अरे वाह क्या बात है। तो बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर होगा कि नहीं?
तो पहले इसको लिख ही लो थ्योरी को, जल्दी से पैरा चेंज करके लिख लीजिएगा जो थ्योरी लिखे तो उसके नीचे। अब देखिए बच्चों यहां तक तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अब देखा जाए क्या होगा। ध्यान देना ध्यान देना। अब देखो दोनों गोलों के बीच बने संधारित्र की धारिता, दोनों गोलों के बीच बने संधारित्र की धारिता बराबर क्या होगा, याद होगा C1 मान लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस, कल पढ़ा है पिछले लेक्चर में पढ़ा है, चाहे इस पे प्लस हो इस पे माइनस हो या इस पे माइनस हो इस पे प्लस हो या इस पे माइनस हो इस पे प्लस हो, कुछ भी हो इस पे माइनस इस पे प्लस या इस पे प्लस इस पे माइनस, तो उसकी धारिता होती है C1 4 पाई एप्सिलॉन ए बी बाई बी माइनस, क्योंकि आवेश पे निर्भर नहीं करो, आवेश से आवेश कट जा रहा है, तुरंत समझा यहां पे कि आवेश से आवेश कट जाता है कट जाता है। अब बताइए बच्चों कि C1 जो आया यानी कि दोनों गोलों के बीच जो संधारित्र बना, प्लस माइनस से संधारित्र का निर्माण हुआ और दोनों गोलों के बीच जो संधारित्र बनता है उसकी धारिता होती है, पिछले लेक्चर को देखो डिटेल में बताए, दो मेथड से बताए हैं, तो C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन ए बी बाई बी माइनस ए। और अब बताइए दूसरा संधारित्र कैसे बन रहा है, तो दूसरा संधारित्र बन रहा है दूसरे गोले बाहरी गोले और पृथ्वी के बीच, यानी देखो ना बाहरी गोला और पृथ्वी के बीच, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी तो खुद भूमिगत है, वो तो है ही भूमि यानी भूमिगत, तो बताइए दूसरा गोला दूसरे गोले का निर्माण सॉरी दूसरे संधारित्र ना दूसरे संधारित्र का निर्माण बाहरी गोले के बाहरी सतह तथा पृथ्वी के बीच होता है, इसलिए C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बी, याद है फॉर्मूला, इस गोलाकार चालक की धारिता क्या होती थी याद है, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर होता था, तो गोलाकार चालक का धारिता जो आया वो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर याद है, तो इसी को ना C1 माने हैं इसी को C2। अब दोनों किस क्रम में है बस इतना पता चल जाए बस काम हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो, अगर पता चल जाए कि दोनों किस क्रम में हैं तो काम खत्म। तो जल्दी से पहले इतना उतारिए, दोनों गोलों के बीच संधारित्र बना जिसकी धारिता 4 पाई एप्सिलॉन ए बी बाई बी माइनस, पिछले लेक्चर में बताए हैं दो मिनट से, और ये गोलाकार चालक की धारिता हम बताए हैं आपको पीछे लेक्चर में देखिएगा एक स्पेशल लेक्चर है, तो C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इनटू बी, बोलो बोलो, तो जल्दी से उतारिए जल्दी से, और दोनों किस क्रम में है क्लियर करते हैं तुरंत काम खत्म जल्दी हो गया। अब देखो बच्चों बताइए जब हम इसको आवेशित करेंगे इस सतह को यानी बैटरी से जोड़े होंगे तो दोनों प्लस तो एक साथ जुड़ा है, समझना समझना बहुत दम है इस बात में, दोनों प्लस एक साथ जुड़ा है, देखो इस सतह को हम बैटरी से जोड़े होंगे तो दोनों सतह जो है वो गोला का ही ना सतह है, तो जब दोनों सतह गोला का ही सतह है बाबू तो दोनों प्लस एक साथ जुड़ा है कि नहीं, और बताइए ये वाला जो है वो भूमिगत है और ये वाला तो पृथ्वी है ही, अरे गजब सर गजब भूमिगत, सोचो सोचो जितना ही ज्यादा सोचोगे काबिल बनोगे, यानी समानांतर क्रम में तुरंत आ रहे हैं, तुरंत गोलाकार संधारित्र के बाद बेलनाकार आ रहा है अगले लेक्चर में, और बेलनाकार संधारित्र के बाद श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम समूहन,
ठीक है ना। हाँ तो समझिएगा बच्चों, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम समूहन ये समानांतर है। जब प्लस प्लस एक साथ माइनस माइनस एक साथ तो समानांतर। और याद होगा श्रेणी क्रम समझाए थे, थोड़ा सा समझाए थे जब इसका यूज था, समांतर पट्टिका संधारित्र में तो समझाए थे, याद होगा लेक्चर अगर एक लाइन से लाइन बाय लाइन देख रहे हो तो। प्लस माइनस तो श्रेणी क्रम समूहन, प्लस माइनस तो श्रेणी क्रम समूहन, और जब प्लस प्लस एक साथ माइनस एक साथ तो समानांतर क्रम समूह। समझिएगा, तो दोनों प्लस तो एक साथ, दोनों प्लस जो है बाहरी गोला पर है, दोनों प्लस एक साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, और ये सतह जो है भूमिगत किए हैं, अच्छी बात है, और ये सतह भी तो भूमिगत है, अच्छी बात है, क्योंकि एक संधारित्र यहां बन रहा है प्लस माइनस के बीच, और एक संधारित्र यहां बन रहा है प्लस माइनस के बीच, और दोनों किस क्रम में है तो समानांतर। कॉमन सेंस, दो प्लस एक साथ तो दो माइनस एक साथ, कॉमन सेंस दो प्लस एक साथ तो दो माइनस एक साथ। तो बताइए सी वन और सी टू किस क्रम में जुड़े हैं, समानांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में। और आपको बता दें कि समांतर क्रम का फॉर्मूला अभी हम डिराइव थोड़ा सा करके आपको दिखा देते हैं, लेकिन लास्ट में सी वन प्लस सी टू होता है। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला ऐसे हम समझा वहां पे बोले थे कि ये फॉर्मूला भी याद कर लो फिलहाल। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है समूहन का, 1 बाई सी एस बराबर 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू, यानी समतुल्य धारिता के लिए 1 बाई सी एस बराबर 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू। तो समांतर क्रम के लिए सी टी बराबर सी वन प्लस सी टू। अरे बोलो, यानी कहने का मतलब बच्चों कि 1 बाई सी एस बराबर 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू होता है श्रेणी के लिए, समांतर के लिए सी टी बराबर सी वन प्लस सी टू, यानी यहाँ किस क्रम में दोनों जुड़े हैं, समानांतर क्रम में। तो देखिए तो बेटा उसका लास्ट में ला के दिखा दे रहे हैं आपको ये कैसे आएगा, बाकी तो समांतर क्रम समूहन पढ़ेंगे तब तो बहुत डिटेल चलेगा ही। तो बताओ बच्चों, दोनों संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, दोनों संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए Cp बराबर C1 प्लस C2। तो Cp 4 बाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A, याद है C1 इतना ही आया था, पीछे देखो जस्ट अभी तुरंत देखना C1 इतना आया था 4 पाई छोटे AB बाई B माइनस A, और C2 मिटा इसको बाबू, चलो लिख देते हैं प्लस C2 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू B। अरे बोलो, ये लाए थे और कल भी लाए हैं ये ड्राइव करके, दोनों के बीच संधारित्र का निर्माण हुआ तो 4 पाई एप्सिलॉन AB बाई B माइनस A, और ये गोलाकार चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन इनटू B, क्योंकि बाहर वाला गोला का त्रिज्या, बाहर वाला गोला और पृथ्वी के बीच संधारित्र का निर्माण हो रहा है। तो बताइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B कॉमन हो जाएगा दोनों में से, 4 पाई एप्सिलॉन B, 4 पाई एप्सिलॉन B, यहां A बाई B माइनस ए, यहाँ प्लस वन हो जाएगा क्योंकि पूरा कॉमन हो गया तो वन, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B तो B माइनस A, तो यहाँ A प्लस, देखो B माइनस A एलसीएम हो गया तो कट गया ये बचा, यहाँ पे डायरेक्ट गुणा हो जाएगा तो B माइनस A, A से A कट गया, यानी C, Cp लिखो या C लिखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B D B स्क्वायर by B माइनस ए। आ गया, सोल्व तो किए हैं सिर्फ, 4 बाई एप्सिलॉन B कॉमन लिए हैं, A बाई B माइनस ए प्लस वन सोल्व किए हैं, B माइनस एल सी एम ए प्लस बी माइनस ए कट गया, आ गया 4 बाई एप्सिलॉन B स्क्वायर बाई B माइनस ए। यानी कहने का मतलब एक लाइन में यही है बाबू कि जब बाहरी गोला भूमिगत रहता था तो फॉर्मूला आता था 4 बाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, जब बाहरी गोला भूमिगत होता था तो फॉर्मूला होता था 4 पाई एप्सिलॉन AB बाई B माइनस A, और जब आंतरिक गोला भूमिगत है तो फॉर्मूला हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर बाई B माइनस A। हुआ कि नहीं हुआ बोला, क्लियर हुआ? लेकिन ये जो आया है ये कैसे कैसे ये फॉर्मूला आया है Cp बराबर C1 प्लस C2, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, याद रखना है जब बाहरी गोला भूमिगत हो तो फॉर्मूला होता है क्या क्या, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A,
और जब आंतरिक वाला भूमिगत हो तो फॉर्मूला होता है 4πε0bs²y-c। याद हो गया, जल्दी लिख लीजिए बच्चों, जल्दी फास्ट हो गया। अब समांतर क्रम थोड़ा सा समझा दे रहे, तो हम आगे बताएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा समझा रहे आपको, थोड़ा सा समांतर क्रम समझा। देखो, जब हम बैटरी से जोड़ेंगे दो संधारित्रों को प्लस माइनस प्लस वाला के साथ प्लस और माइनस वाला के साथ माइनस, इसका धारिता C1 इसका C2, यहां से आवेश दिए Q, तो इस पर अलग अलग दो भाग में बढ़ जाएगा। दो रास्ता है जाने का, तो दो भाग में बढ़ गया। अरे बोलो, अरे यहां से गया Q, तो दो रास्ता है तो दो भाग में बढ़ गया। अरे बोलो। और अब देखो, आपको पता है, बताएंगे कि समानांतर क्रम में सिरों के बीच विभवांतर समान रहता है, और अभी भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसे आप टेंथ में पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां समझा रहे हैं आपको, ऐसे करके समझा रहे हैं। देखो ध्यान देखो, इसको अगर हटा देंगे, अगर इस संधारित्र को हटा देंगे, दूसरा वाला को अगर इसको हटा देंगे तो भी विभव में अंतर वही रहेगा, और अगर इसको हटा देंगे तो भी बैटरी वही सप्लाई देगा। यानी कि लो न, देखो देखो, इसको हटा के बात करो, खुश तो उतना ही भी वहां अंतर है, और जब उसको हटा देंगे इसको जोड़ेंगे तो भी वही भी वहां अंतर है। यानी कि हटाने जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है विभव में अंतर पे, यानी समाना विभव में अंतर पे बाबू, आवेश में तो पड़ेगा, ये पूरा आवेश फिर इसे चला जाएगा अगर इसको हटा देंगे तो, अगर इसको हटा देंगे तो पूरा आवेश इसे चला जाएगा, लेकिन विभवांतर हमेशा समानांतर क्रम में समान रहेगा, समान रहेगा। दिमाग में सेट रखो, ऐसे विद्युत धारा में और भी इसको क्लियर करेंगे, यही इसी चैप्टर में भी और क्लियर करेंगे, तब विभव, वो तो अगले चैप्टर का बात है विद्युत धारा, लेकिन पहले इसी चैप्टर में इसको और क्लियर करेंगे कि जब समानांतर क्रम में जुड़ा हो तो विभव में अंतर समान रहता है। लेकिन इसके बारे में घरेलू विद्युत परिपथ जब हम पढ़ाएंगे आपको आगे अगले चैप्टर में, तो वहां पे बहुत इसका डिटेल पढ़ना है, क्यों समांतर क्रम में नहीं, क्यों श्रेणी क्रम में नहीं, श्रेणी में भी जोड़ते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है घरेलू विद्युत परिपथ के लिए, क्या समानांतर क्रम, क्लियर हो रहा है। तो अब देखो, समानांतर क्रम में भी विभवांतर समान, चलो इतना क्लियर हुआ, नहीं समांतर क्रम में भी विभवांतर समान, चलो अच्छी बात है, और क्यों गया तो दो रास्ता है तो कुछ कुछ दोनों से चला जाएगा। अब बताओ बच्चों, Q जो है वो Q1 Q2 का योगफल है, अच्छी बात है। अच्छा, पूरे के जगह दोनों के बदले हटा करके हम अकेला ले ले संधारित्र, इन संधारित्र लेके आपको बताएंगे श्रेणी समांतर, देखना CP, तो आवेश तो वही जाएगा अगर एक है तो समतुल्य, बताइए दोनों को हटा करके उसके जगह पर समतुल्य यानी बाहुबली, यानी दोनों के बदले अकेला बाहुबली, तो बताइए Q बराबर सी भी, Q बराबर सी पी इंटू भी, सी पी मतलब पैरेलल समांतर क्रम, तो Q बराबर सी पी इंटू भी, और यहां से बोलो Q1 बराबर C1 भी वन, भी वन मतलब भी, और Q2 बराबर C2 भी टू यानी C2 इंटू भी, क्योंकि सीरो के बीच भी विभवांतर समान है, एकदम आ गया, देखो ना Q के जगह रख दो सी पी भी, Q1 के जगह C1 भी, Q2 के जगह सर इतना आसान है सर, पढ़ो अच्छा से आसान लगेगा बच्चा, B से भी कट गया CP बराबर आ गया C1 प्लस C2, एक बार और समझा देते हैं, लेकिन इसको पढ़ना आगे है भी। है ना, चलो समझो ध्यान से कि समानांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, समान होता है, तो समानांतर क्रम में जब विभवांतर समान होता है तो बताइए इसके सिरों के बीच विभवांतर भी, इसके सिरों के बीच भी, क्योंकि भी है, तो Q1 बराबर C1 भी और Q2 बराबर C2 भी, और जब समतुल्य ले लिए दोनों के बदले अकेला तो Q बराबर CP इंटू भी, यहां तक कोई डाउट नहीं, तो बताइए बस Q1 का मान रख दिए, Q2 का मान रख दिए और Q का मान रख दिए, Q बराबर CP भी, Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, रख दिए भी, भी से भी कट गया, हाँ यही तो यूज किए थे समांतर क्रम में, बोलो बोलो, यहां तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, लेकिन इसको पढ़ना है अभी, तब एक से क्वेश्चन चलेगा इसको, जल्दी जल्दी उतार लो बच्चा, उतारना तो साइड में उतार सकते हो, समझ में आ गया हम,
शॉर्ट में ही समझा लेंगे, समझ में आ गया। पहले तो बहुत लॉन्ग फॉर्मेट आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे एक चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, फिर पता चलेगा कि अगले बार जब हम उसको बनाएंगे शॉर्ट फॉर्मेट में करके सब चीज बताएंगे उसमें, लेकिन उसको फिर शॉर्ट फॉर्मेट कर देंगे, देखना ना मजा आएगा, देखना। चलो क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। पांच सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, चलो 10-20 ले लो, 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो चालक गोलों, दो चालक गोलों को संकेंद्रीय रखा गया है तो दो संकेंद्रीय त्रिज्या वाले दो चालक गोलों को संकेंद्रीय रखा गया है तो बताएं कि इन गोलों से बने संधारित्र की धारिता क्या होगी, ए नंबर में, यदि बाहरी गोला भूमिगत हो, बी नंबर यदि आंतरिक गोला भूमिगत हो, कुछ नहीं है। अब कोई भी क्वेश्चन इस पे आएगा तुम आराम से बना दोगे, है ना, कोई भी क्वेश्चन। आओ देखते हैं, दो क्वेश्चन एक ही में हो गया बाबू, कि दोनों की त्रिज्या 10 और 20 सेंटीमीटर है तो बताना है आपको कि उसकी धारिता क्या होगी। संकेंद्रीय गोले हैं, संकेंद्रीय वाले दो खोखले चालक लिख देते हैं, दो खोखले, ऐसे अंदर वाला खोखला या ठोस होगा कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर वाला खोखला होना चाहिए, क्योंकि अंदर बाहर वाला जब ठोस रहेगा तो फिर बीच में गैप कैसे रहेगा, लेकिन अंदर वाला ठोस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब बताओ बच्चों, ध्यान देना कि जब हम लोग बनाएंगे बाहरी गोला को भूमिगत करेंगे, नो टेंशन, यानी खोखला ही लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बताओ कि 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो खोखले चालक गोलों को संकेंद्रीय रखा गया हो तो बताएं कि इन गोलों, से बने संधारित्र की धारिता क्या होगी यदि बाहरी गोला भूमिगत हो यदि आंतरिक गोला। देखो ना फॉर्मूला ला लिए हम लोग, तुरंत बन जाएगा। तो बोलो ए नंबर का सॉल्यूशन, ए नंबर आ गया, आ गया। पहले तो हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है। ए में दिया है 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, और बी में दिया है 20 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल लिए। चलो जल्दी जल्दी यहां से बता रहा हूं बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया हो गया, देख लीजिए। चलिए तो दोनों गोला संपर्क में नहीं होगा, आपको पता है संधारित्र का निर्माण हो रहा है, तो 10 और 20 दिया है तो बताइए, ए नंबर में चल रहे हैं, ए नंबर में, कि जब बाहरी गोला भूमिगत हो, ए नंबर में ही ना बाबू, तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है। सी बराबर 4πε0 एबी बाई बी माइनस ए। अब किसी में धारिते दे देगा, त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा, कोई दिक्कत नहीं, धारिता दे दिया, एक का त्रिज्या दे दिया, दूसरे का त्रिज्या निकल गया। वह अब बोलो इसका मान, ध्यान देना है, जल्दीबाजी में गलती मत करना, इतना होता है 1/4πε0×10^9, तो ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि 1/9×10^9, बोलो ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, लिख दे
ये इतना आ गया, देखो इसका मान इतना आ गया, और ए बी 10 गुना 10 का पावर माइनस 2 20 गुना 10 का पावर माइनस 2 बटा 20 गुना 10 का पावर माइनस 2 माइनस 10 गुना 10 का पावर माइनस 2। यहां तक क्लियर है? तो बोलो बच्चों 1/9 इंटू 10 का पावर 9, 10 गुना 10 का पावर माइनस 2, 20 गुना 10 का पावर माइनस 2 और घटा दिए तो 10, 20 में से 10 किया 10 गुना 10 का पावर माइनस 2 कट गया तो 20 बटा 9 गुना ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर माइनस 11 हुआ, तो 9 दुना 18, 9 दुना 18 ऐसे जाता रहेगा, 10 का पावर माइनस 11 फैराड। इतना आसान सॉल्व कर सकता है तुम? बोलो बोलो, एक बढ़िया क्वेश्चन इस पे लेते हैं और तुम कोई भी क्वेश्चन इस पे बनाओ सब बनेगा, किसी में धैर्यता दे देगा, एक त्रिज्या दे देगा दूसरा निकालना रहेगा, बन गया। किसी में दोनों त्रिज्या दे दिया, सी निकालना है अभी सामने है, किसी में धैर्यता दे दिया और कह दिया कि एक का त्रिज्या दूसरे का दोगुना है या कुछ भी है तो निकल गया फिर भी दोनों का त्रिज्या। अरे बोलो, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं जिसका हम तरीका आपको बता रहे हैं। और एक और क्वेश्चन बड़ा बढ़िया लेते हैं, वो अभी तुरंत आराम से आप बना लेंगे। मान लिया जाए कि एक का त्रिज्या दूसरे का दोगुना है, ऐसे कर दिया तो भी बन गया। बताओ, मान लो कि एक का त्रिज्या, देखो हिंट दे रहे हैं उसका, ये तो बस समझा दे रहे हैं एक बार कि 4π² का मान हो जाएगा कितना, तो 1/9 × 10^9। ओके, और ए बी ध्यान देना, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, मीटर में बदल दिए ऐसे मात्रक, और बी माइनस ए आ गया, सॉल्व कर दिए, ये से ये कट गया, ये बच गया 20/9 और 10 का पावर माइनस 2 है, 10 का माइनस 9 ऊपर गया, माइनस 11 हो गया, सॉल्व कर दिया 9 × 18 2 × 9 बोलो। और जब बाहरी गोला भूमिगत होगा तो उसको बना रहे आंतरिक गोला, ये कब, जब बाहरी गोला भूमिगत है तब, और जब आंतरिक गोला भूमिगत होगा तब बना रहे, लेकिन पहले एक बात समझा रहे, ध्यान दो। अगर मान लो कि एक का त्रिज्या दूसरे का दोगुना दे दिया, मान लो ए है एक्स और बी है 2x, हो गया बी है 2x माइनस ए है एक्स, अब क्या होगा, तो एक्स गुना 2x और बटा में 2x में से x गया, x कट गया और प्रश्न में धारिता दिया रहेगा तो क्या x नहीं निकल गया, और जब x निकल गया तो 2x नहीं निकल गया, ये भी निकल गया। देखो कैसे, ये एक और क्वेश्चन है, ये समझो एक और ये क्वेश्चन है कि एक का त्रिज्या अगर x है तो दूसरे का 2x हो जाएगा, दोगुना है, एक का त्रिज्या दूसरे का दोगुना, यानी कि b ज्यादा होगा, ऐसे तो a को x मान लिए तो b को 2x मान लिए, बटा में 2x माइनस x मान लिए, तो x गुना 2x बटा में x। ध्यान देना है, क्वेश्चन में देखना होगा कि बाहरी गोला भूमिगत है कि आंतरिक, बाहरी गोला भूमिगत है कि आंतरिक, इस पे ध्यान देना होगा। अब बताओ बच्चों, x गुना 2x बटा x कट गया, 2x और c दिया रहेगा, x नहीं निकल गया, x निकल गया तो a निकल गया और 2x तो b निकल गया। एक और क्वेश्चन जल्दी, यानी कैसा भी क्वेश्चन रहे आप आराम से बना लेंगे। तो अब देखो बच्चों, इसको तो तुम सॉल्व करेगा कि जब आंतरिक गोला भूमिगत हो, बी नंबर, जब आंतरिक गोला भूमिगत हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 4π₀ b² / b-a। सॉल्व कर लेना, सिर्फ वैल्यू रख देते हैं, इसका मान अभी तुरंत बताए हैं, अरे 1/4π₀ का वैल्यू होता था 9 × 10^9, तो इसका कितना, तो पलट जाएगा b² b है 20 × 10^-2 और 20 उसका होल स्क्वायर और 20 × 10^-2 −10 × 10^-2 सोल्व कर लेगा वही आ जाएगा फैराड आंसर। बोलो इसका मान इतना, 20 × 10^-2 का होल स्क्वायर, 20 × 10^-2 −10 × 10^-2 अरे बोलो सोल्व करेंगे आंसर आएगा, आ जाएगा कि जल्दी। एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना बच्चों, दो संकेंद्रीय खोखले
चालक गोलों की चालक दो संकेंद्रीय खोखले चालक गोलों की त्रिज्याओं में अंतर 3 सेंटीमीटर है और जब बाहरी गोला को भूमिगत किया जाता है तो प्राप्त धारिता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार चालक की धारिता किया जाता है तो प्राप्त धारिता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार चालक की धारिता के बराबर प्राप्त होता है तो संकेंद्रीय गोलों की त्रिज्याएं ज्ञात करें। ओहो, ध्यान दो बच्चों, क्या है क्वेश्चन? लाजवाब क्वेश्चन, ध्यान देना, मजा आएगा, तुरंत समझ में आएगा, ध्यान देना। दो संकेंद्रीय खोखले चालक गोलों की त्रिज्याओं में अंतर 3 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है। दोनों के त्रिज्याओं में अंतर कितना है? 3 सेंटीमीटर। और जब बाहरी गोला भूमिगत किया जाता है तो प्राप्त धारिता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार चालक की धारिता के बराबर प्राप्त होता है तो संकेंद्रीय गोलों की त्रिज्याएं ज्ञात करें। मस्त क्वेश्चन, जल्दी से इसको लिखो, पढ़ो 2-3 बार और तुरंत ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। जल्दी लिखो। चलो नहीं रहो, प्रश्न पढ़ के और बनाते हैं तब सोल्व कर लेंगे। ध्यान देना क्या कह रहा है। बाहरी गोला भूमिगत हो, है ना, दोनों की त्रिज्याएं ए और बी मान लेते हैं। अच्छा, तो जब बाहरी गोला भूमिगत हो तो याद है फॉर्मूला, संधारित्र की धारिता 4πε0 AB/B-A होता है। जब बाहरी गोला भूमिगत हो तो पिछले लेक्चर में संधारित्र की धारिता 4πε0 AB/B-A। और अब बताइए धारिता, ठीक है, और दोनों बराबर है, यानी C इसको मान लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गोलाकार चालक की धारिता तो बताइए, गोलाकार चालक की धारिता आपको याद है, जब त्रिज्या R रहता है तो C' मान लेते हैं, 4πε0 × R याद है। दो संकेंद्रीय खोखले चालक गोलों की त्रिज्याओं में अंतर 3 सेंटीमीटर है और जब बाहरी गोला को भूमिगत किया जाता है तो प्राप्त धारिता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार चालक के धारिता के बराबर प्राप्त होता है तो संकेंद्रीय गोलों की त्रिज्याएं ज्ञात करें। अब आप बताइए हमको कि जब बाहरी गोला भूमिगत हो, क्योंकि संकेंद्रीय गोलों से गोलाकार संधारित्र का निर्माण हो रहा है, संकेंद्रीय गोलों की सहायता से गोलाकार संधारित्र का निर्माण हो रहा है तो उसकी धारिता आपको याद होगा कब, जब बाहरी गोला भूमिगत हो। तो जब बाहरी गोला भूमिगत हो तो फॉर्मूला होगा 4πε0 AB/B-A, 4πε0 AB/B-A, और गोलाकार चालक की धारिता याद है 4πε0 × R। अब बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बराबर है, C/C', यानी 4πε0 AB/B-A बराबर 4πε0 R। अब देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ दिया है, चलो पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो AB/B-A बराबर R, और प्रश्न से दिया है बाबू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो प्रश्न में दिया है दोनों की त्रिज्याओं में अंतर 3 सेंटीमीटर और
इस गोला का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, जिसके धारिता के बराबर है इसकी धारिता। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? हेलो, तो ए बी और आर का मान यहाँ रखेंगे, माइनस बी, बी माइनस ए और आर का मान रखेंगे। बोलो बोलो। देखो क्वेश्चन फिर से बाबू ध्यान देना, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और बनाइएगा तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। दो संकेंद्रीय खोखले चालक गोलों की त्रिज्याओं में अंतर 3 सेंटीमीटर है, अंतर 3 सेंटीमीटर है, और जब बाहरी गोला भूमिगत किया जाता है, तो बाहरी गोला भूमिगत किया जाता है तो फॉर्मूला ही ना होता है 4πε/bb-a। ओके, तो प्राप्त धारिता यानी जो प्राप्त धारिता हुआ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार चालक की धारिता के बराबर होता है। बोलो बोलो। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार चालक की धारिता के बराबर होता है। तो बोलो एक गोला का धारिता होता है c बराबर 4π/2r, एक गोला का धारिता होता है 4πε/r। अरे होता है, तो बताइए बच्चों दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर प्राप्त होता है। तो ये और ये बराबर, 4πε/4πε कैंसिल हो गया, ab/b-a = r, b-a त्रिज्याओं में अंतर दिया है 3 सेंटीमीटर। या ये भी कह सकते हैं कि दोनों गोलों के बीच हवा भरा है 3 सेंटीमीटर मोटाई का, दोनों गोलों के बीच 3 सेंटीमीटर मोटाई में हवा भरा है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, यानी कि त्रिज्या में अंतर, अरे दोनों गोलों के बीच अगर हवा भरा है 3 सेंटीमीटर मोटाई में, यानी त्रिज्या में अंतर है, दोनों गोलों के बीच अगर हवा भरा है 3 सेंटीमीटर मोटाई में, मतलब कि b-a = 3 सेंटीमीटर। बोलो। ओके, अब बताओ ab/b-a = r, अब सॉल्व करना है, ए बी निकालना है बच्चा, तो जल्दी जल्दी इसको लिखिए, जल्दी फास्ट जल्दी। अब देखिए एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा बच्चों। अब देखो रे बाबा क्या हो जाएगा बोलो, तो सेंटीमीटर में आएगा, जो भी सॉल्व करेंगे ab/, क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ab/b-a का मान 3 और r का मान 6 सेंटीमीटर में आ रहा है, ध्यान देना है ab = 18 आ गया, तो यहां से a = लिख सकते हैं 18/b, सॉल्व करना है ab का मान निकालना है, और देखो तो इतना दिया हुआ है। अरे बोलो बोलो, ab/b-a का मान 3 रख दिए और r का मान 6 रख दिए, तो बताइए ab = आ गया 6×3=18, तो बताइए a = लिख सकते हैं 18/b। अब बताओ चूंकि b-a = 3 है ना, तो बताइए b-a 18/b = 3, तो BLCM b² - 18 फर्स्ट इंटू लास्ट पे तो दौड़ने का माहिर है तुम लोग, और 3b तो b² - 3b - 18 = 0, तो b² = 6 18, तो -6b + 3b - 18, तो b^(b-6) + 3^(b-6), तो b-6 common b + 3, त्रिज्या तो माइनस में होगा नहीं, तो b-6 = 0 यानी b = 6, और b + 3 = 0, तो b = -3, ये नहीं है संभव, त्रिज्या माइनस में नहीं होता है। अब बताओ, अरे सोल्व किए हैं, बस सिंपली सोल्व किए हैं, ab = 18 आया, तो ये बराबर 18/b आ गया, तो b-a को पता है 3, तो b-a का मान रख दिया 18/b = 3, BLCM ले लिए, b²-18 = 3, b²-18 = 3b, तो 3b लेफ्ट साइड, तो b²-3b + -18 = 3b - 3b - 18 = 0, तो b²(6+18), देखो गुना करो तो -18, इसको इसको गुना करोगे -18b², और इसको गुना करोगे तो -18b², और इसको जोड़ोगे तो इतना आ गया फर्स्ट इनटू लास्ट। तो बताइए b²(b-6) + 3^(b-6) = 0, b-6² (b+3) = 0, b = 6 आ गया, b = -3, ये संभव नहीं है, और चूंकि देखो तो a = 18/b, तो 18/6 = 3 आ गया,
तो इसलिए ए बराबर 3 सेंटीमीटर और बी बराबर 6 सेंटीमीटर दोनों गोलों की त्रिज्याएं आ गई। अब देखो तो बी माइनस ए बराबर 3 है, 6 माइनस 3 बराबर 3 है कि नहीं है, 6 माइनस 3 बराबर 3 है कि नहीं है, बोलो बोलो। और अगर चेक करना चाहे तो और चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4πε0ab यानी 3 × 6 / b - a 3 कट गया, आ गया 4πε0 × b 4πε0 × 6। अब बताओ तो यहां से भी रखेंगे 4πε√2 r का मान कितना है 6 है, तो बताइए 4πε√2 r, r का मान 6 रखेंगे तो यही आ गया, यानी e वाला मान 3 × 6/3 3 × 6 a का मान 3 b का मान 6/3 अरे b में से गया 3 तो कट गया, तो 4πε√6 यहां से और 4πε√r का मान 6 यहां से बराबर आ गया, यानी कि सही। तो इस तरह से दोनों गोलों की त्रिज्याएं आ गई। तो जल्दी से उतार लीजिए जल्दी से, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आराम से आप बना सकते हैं गोलाकार संधारित्र की धारिता पे। लेकिन ध्यान रखना है कि बाहरी गोला भूमिगत हो तो फॉर्मूला 4πε0 ab/b - a और आंतरिक गोला भूमिगत हो तो 4πε0 b²/b - a इसको याद रखना है। और आप एक से क्वेश्चन आएगा आप उसको तोड़ दीजिएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।